हेलो फ्रेंड, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप अपने फ़ोन से कोई नंबर डायल करते हो तब आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा रहता है नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। सो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम आपका क्यों आता है और किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं इस सॉल्यूशन की ओर। सो फ्रेंड, आपके मोबाइल में भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो इसका कारण ये नहीं है कि आपके मोबाइल में किसी तरह का प्रॉब्लम है या फिर आपका सिम कार्ड में किसी तरह का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपका तभी आता है जब आपके मोबाइल में नेटवर्क सेटिंग में कुछ चेंज आ जाते हैं या सेटिंग में कुछ डिफॉल्ट हो जाता है। सो फ्रेंड, अब जान लेते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको आपके मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने मोर कनेक्शन सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मोर कनेक्शन सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको दूसरा वाला ऑप्शन मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन एसएस पॉइंट नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मोर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सेट टू डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे रेस्ट कर देना है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपका 15 सेकंड से 30 सेकंड तक लेगा, उसके बाद आपका डिफॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली ये फिक्स्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को सही तरह से कंप्लीट कर देने के बाद आपको आपके मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर देना है। सो फ्रेंड, आपका मोबाइल को एक बार रिबूट या रीस्टार्ट कर लेने के बाद आप दोबारा से कोई भी नंबर डायल करके देख सकते हो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।